Assalamualaikum friends, आज हमारी अम्मा बनाने जा रही हैं आलू गोभी की सूखी सब्जी हलवाई स्टाइल। यहाँ पे हमने पैन में सरसों का तेल लिया है और अब इसमें हमने गोभी डाल के इन्हें फ्राई कर लिया है। जब ये गोभी फ्राई हो जाए तब हम इन्हें दूसरे बाउल में निकाल लेंगे और उसके बाद उसी में हम कुछ आलू फ्राई कर लेंगे। और जब ये भी फ्राई हो जाए तब हम इन्हें अलग बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने बड़े साइज का प्याज लिया है जिसे हमने महीन काट लिया था और इसे हम लाइट ब्राउन फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें हम यहाँ पे थोड़ी सी मेथी ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसमें हम लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर ऐड करेंगे और बीच में हम यहाँ पे इसमें टमाटर और हरी मिर्चें ऐड करके इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे जो इसमें मसाले डाले हैं वो भुन जाए और जो इसमें टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब जो गोभी और आलूओं को हमने फ्राई करा था उन्हें हम इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसमें जो पानी पड़ा हुआ है वो अच्छे से सूख जाए और इसमें जो आलू गोभी पड़े हुए हैं वो गल जाए। अब ये जो आलू गोभी की सब्जी है ये बनकर तैयार है। हम इसकी गार्निशिंग धनिया लीव से करेंगे और अब आप इसे मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया।